हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जाना बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़े के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच ईस्ट और 1/2 प्याली गर्म पानी की। उसमें आप ईस्ट डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। 1-2 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। उसके बाद आपने 2 कप मैदा ले लेना है। दो मैंने दो दो पिज़्ज़े बनाए थे इसलिए मैंने 2 कप लिए। अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो आपके लिए 1 कप काफ़ी है, क्योंकि वो फूल के डबल हो जाता है फिर बाद में। तो उसमें आपने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल का डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने वही जो खमीर वाला पानी है उसके साथ इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। जब आटा हाथों पे ना लगे, यानी कि वो सही तरह गूंदता रहे और हाथ भी गंदे ना हो, तो इसका मतलब है आपका आटा तैयार है गूंद के। तो आपने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि ये जल्दी से फूल जाए। फिर मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए थे। और फिर मैंने उसको एक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल लिया था, फिर उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा भुना था ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसके अंदर ये चिकन डाल दी थी और मैंने 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 आधा चम्मच हसबे ज़रूरत नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो वो मिर्ची नहीं खाते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कम डाली थी। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आपने इसके अंदर तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बन जाता है इसका। तो बस इसको अच्छी तरह भून लें, थोड़ा सा चिकन में पानी डाल के ऊपर ढक्कन रख के इसको रख दें। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। पानी खुश करके तो इसको बस चूल्हे से उतार दें। हमारी चिकन तैयार हो गई है, तो बस हमने अब फ्लेम बंद कर देना है। और साथ ही हमारे आटे को 1 घंटा हो गया तो हमारा आटा भी फूल गया, तो इसको बस थोड़ा सा आप प्रेस कर लें कि इसके अंदर जो भी हवा वगैरह भरी हुई है तो वो निकल जाए। और फिर आप इसका एक पेड़ा, अच्छा सा पेड़ा बना के, तो इसकी एक थोड़ी सी मोटी 1 इंच की रोटी बना लें। मैंने रोटी बेल ली है और फिर मैंने एक पिज़्ज़े का ट्रे मिलती है, मैंने डॉलरामा से ली थी, $4 की। तो ये इसके अंदर छोटे छोटे स्टाक होते हैं, जिससे ना पिज़्ज़ा एक तो चिपकता नहीं है नीचे ट्रे में और एक जल्दी नीचे से और ऊपर से, दोनों टाइम ना
दोनों साइडों से एक ही टाइम में पक जाता है बहुत अच्छी तरह। तो बस मैंने इसको फॉक के साथ थोड़ा सा प्रेस कर लिया ताकि एयर ना बने अंदर। तो अब मेरे पास बाज़ार की पड़ी थी पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने वो डाल दी। अगर आपको के पास नहीं मिलती तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको घर पे बनाना सिखा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इतना लंबा बखेरा नहीं डाला, वरना वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, लंबी बन जाती। तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह फैला के उसके ऊपर फिर आपने मोज़रेला चीज़ डालनी है। मोज़रेला चीज़ डाल के उसके ऊपर जो हमने कुछ सब्ज़ियाँ रखी थी अपने पास वो डाल देनी है। यानी कि मैंने हाफ शिमला मिर्च ली थी, हाफ कप ही प्याज लिए थे और हाफ कप ही जैतून लिए थे यानी कि ऑलिव्स लिए थे। तो वो इसके ऊपर डाल दें और साथ ही चिकन डाल दें और उनके ऊपर फिर आपने थोड़ी सी चीज़ डाल के तो इसको अवन में बेक कर लेना है। मेरा छोटा है अवन घर में था, तो हम मैंने चूल्हे के जो नीचे होते हैं वो वाला इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा सा मसला है। तो मैंने जो हमारे पास एक छोटा ओवन था मैंने वो इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर ही ऑप्शन था पिज़्ज़े का, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि वो कैसा चूल्हा है। तो उस पे मैंने बनाया 400 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बस। तो ये बहुत अच्छी तरह पक के तो तैयार हो गया था। जिस चूल्हे की मैं बात कर रही थी वो ये वाला है। तो इसमें सारे ऑप्शन हैं केक का, टोस्ट का, पिज़्ज़े का। तो बस ये पिज़्ज़े वाला बटन दबाया है तो ये प्री हीट मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये आप लाजमी कीजिएगा कि जो भी चीज़ आप बनाएं केक पिज़्ज़ा, तो चूल्हे को पहले आप अच्छी तरह गर्म कर लिया करें, प्री हीट कर लिया करें। तो उसके बाद जो भी आप चीज़ें रखेंगी तो आपको बहुत थोड़े टाइम में तो ये बन जाएगा। तो ये लें, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया और मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये नीचे से भी बहुत अच्छा पक गया था और ऊपर से भी ये काफ़ी अच्छा बन गया था। ये देखिए मैं ये आपको नीचे से दिखा रही हूँ, मैं आगे आपको काट के भी तो नीचे से चेक करवाऊँगी पिज़्ज़ा, और ऊपर से भी आप देख लें कितना नरम है, ज़रा भी ज़रा सूखी नहीं है इसकी चीज़ की। यानी कि छोटा चूल्हा तो जल्दी जल जाता नहीं। तो ये है, और आगे मैं आपको इस पिज़्ज़े की एक सॉस भी बताऊँगी जो पिज़्ज़ा डिप करके आप खाएँगे, तो वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत ईजी है और उसके साथ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़े के साथ, बहुत आसान है, घर की चीज़ों से ही बन जाती है। तो अच्छा जी, अब हम सॉस बनाएंगे। तो मैंने 3 चम्मच दही के लिए थे और 3 चम्मच मैंने मायोनीज़ लिया था, उसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच लहसुन का पाउडर डाला था। तो आप चेक भी कर सकते हैं बाद में, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, मुझे थोड़ा कम पसंद तो मैंने कम डाला था। और साथ ही आपने चुटकी भर नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि मायोनीज़ की जो गुठली वगैरह कुछ भी होती है तो वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो नहीं जी, आपकी डिप भी तैयार है, तो आप इसको एंजॉय करें पिज़्ज़े के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।